आदरणीय राष्ट्रपति जी, दोनों सदन को संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। पिछले बार सदन का रुख हम सब ने देखा है। आज देश में एक जागरूकता है, हर नागरिक सदन की गतिविधि को बहुत बारीकी से देखता है और आज देश की हर छोटी मोटी घटना को पहुंचने की रीच भी बहुत है, तो सामान्य मानवी तक सारी बातें पहुंचती है और उसके कारण डिस्कशन में जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है, डिबेट में जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है, उनके प्रति समाज में स्वाभाविक नाराजगी पैदा होती है। मैं आशा करता हूं कि सभी हमारे आदरणीय सांसद इन जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट सत्र का उपयोग गहराई से, विस्तार से, जानकारियों से भरपूर चर्चा में हिस्सा लें, अपने विचार रखें, सदन को लाभान्वित करें, सरकार को भी लाभान्वित करें और हमारे पास इस सत्र में जितना भी काम है उसका सर्वाधिक उपयोग हमारे सभी आदरणीय सांसद करें, ऐसी मेरी। अन्ना, इसके पहले भी अनशन आपने किया, आपको लगता है कि इस बार सरकार सुनेगी? और सरकार अभी क्या लगता है, सरकार पर अगर भरोसा होता था अनशन करने का समय क्यों आना था? 5 साल प्रयास किया, सरकार नहीं करती, इसलिए तो अनशन पर बैठा है। उनको खतरा लगता है लोकपाल लोकायुक्त कानून बन गया तो उनको खतरा लगता है, क्योंकि इसके पूरे पावर जनता के हाथ में है। जनता ने पंत प्रधान हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, भ्रष्टाचार के प्रूफ दिए तो लोकपाल और लोकायुक्त उनकी जांच कर सकता है और वो उनको नहीं चाहिए। अनेक मांग की जा रही कि जल्द से जल्दी अनशन समाप्त करें आप, क्योंकि आपको उम्र के देखते हैं, तो ये कब तक चलेगा, कब तक आप? We have heard of in some states there have been encounters of human beings, and now this government has started the encounter of data. Unfortunately for this government, the reality is for all of us to see unemployment rate as it's the highest in the last 45 years. In today, in 2017-18, the report suggests that within the rural areas, the unemployment rate is 13% amongst males, 17% amongst females, and in urban areas, in cities, it is 27% amongst females and 18.7% amongst males. This is the highest ever in the last 45 years. During UPA time, it was 2.2%. That was the data in 2011-12. So unfortunately, this government doesn't want to bring up that data on record. On the one hand, our president tells us about how wonderfully this government has performed. And out in the rural areas and the urban areas, people are hoping that tomorrow they will get a job. This government thinks that history in India started in 2014.